TM24 में स्वागत है आपका। आज मैं हूँ, आप जान ही रहे होंगे, मतदान हो रहा है। आप सोचोगे सब बहुत अच्छा हो रहा है, कितना अच्छा हो रहा है ये आप भी जान रहे हैं, मैं भी जान रहा हूँ, और जो समस्याएं हैं वो आप तक मैं लेकर आ रहा हूँ। क्या हो गया, बड़े टेंशन में लग रहे हैं आप। नाम ही नहीं हम लोग का। नाम नहीं आपका जी? और जबकि उसमें नाम हमने विश्व नारायण में डाला गया था, वहाँ नाम था, यहाँ नाम गायब कर दिया गया। भारत नागरिक है ना आप? हम तो राम तीरथ मार नरे लखनऊ के हैं, ही नागरिक। ऐसा तो नहीं कि पाकिस्तान बांग्लादेश? नहीं साहब, सब नरे यही लखनऊ के हैं। बांग्लादेश से नहीं आए हैं? NRC CEA वाला मामला नहीं है? लखनऊ से ही हम लोग हैं। बताइए, इंडिया से? बताइए, इसके पहले कभी दिए रहे? अरे कई सब जगह सब दे देते वोट, सभासद का भी दिया और वाला भी दिया वोट। इस बार नाम ही काट दिया सब। यहाँ तो चौराहे चौराहे कुछ कहा जा रहा था कि वोट डालिए वोट डालिए वोट डालिए। बताइए, वो BLO से बात किया तो कह रहे हैं कि यहाँ नाम ही नहीं आपका, कट गया है। सर हम लोगों का भी नाम कटा हुआ है, हमारा कटा। सर हमारे घर में 9 लोग हैं, 9 लोगों में 4 लोगों की पर्ची आई है, 5 लोगों की पर्ची नहीं आई है। अरे वोट डालेगा कौन भाई साहब? कौन डालेगा सर? 100 में से 50% वोट लिस्ट आई, 50% आई नहीं है। जहाँ पर चुनाव प्रचार के लिए वहाँ पे भी तुम्हारा भी नाम कटा हुआ है, इनका भी नाम कटा हुआ है, आपका भी नाम कटा हुआ है। जी हाँ जी, इनके फैमिली भी 2-3 लोगों का। ढूंढ के लाओ यार, किसका नाम किसका है। नाम कटे हैं सबके, पूरे मोहल्ले उड़ गए। लेकिन हमारे आस पास देखिए, हमारे काम करने वाले पूरे बेटी के नहीं आया, मेरे परिवार में किसी ना बेटी का ना बेटे के आया। इसमें नुकसान किसका है? ये लौट के चली आई है, ना बेटी का है ना बेटे का आया। बेटी का नहीं, बेटे का नहीं। हाँ, दोनों नहीं आया, किसी का नहीं, नहीं खाली। आपका आया? नहीं, मेरा भी नहीं। आपका भी नहीं है? नहीं नहीं, किसी का भी नहीं आया। अरे सर, इससे फायदा ही क्या होगा? जिसको हम लोग लाना नहीं चाहते वही आ जाएगा, फायदा क्या है? आ जाएगा वो। ये क्या हो क्या रहा है? 100-10 घर में 10 लोग तो 5 लोगों के भी नहीं है, 3-4 लोगों का वोट है। सीधा 6-7 लोग का नाम कटा जा रहा है, तो सर वोटिंग कराने से फायदा ही क्या है जब नाम ही नहीं है किसी का? निर्विरोध जीत जाओ यार, जो भी खड़ा है ना जीत जाओ, यही होना है। क्या भैया वोट वोट डाल दिए? जिसका पल्ला भारी है नहीं आया नाम। देखिए इनके हालत क्या हुआ, वोट डाल दी अच्छे से? नहीं भैया, नाम ही नहीं आया। नाम नहीं आया, ढूंढवाया हर जगह, परेशान हो गए। अब मरे हुए लोगों के नाम है, मरे हुए लोगों के नाम है, जो मर चुके हैं उनका नाम आया। मरे हुए लोगों के नाम है, जो इस दुनिया में नहीं है उनका नाम है, दादा परदादा उनका नाम है। लेकिन अब हम ला के वोट डलवा देंगे उनका, क्योंकि वो लोग वोट डालेंगे और जो मर गए वो कहां डाल ले। ये मामला क्या है, मामला कुछ और है। नाम नहीं है? नहीं, नाम ही नहीं है। हो गया, तुम डालिए, बहुत लकी आदमी है। एक बात है, अब वोट डालना आपके भाग्य के ऊपर डिपेंड करता है। तुम्हारा नाम ही नहीं, वोटर आईडी कार्ड है। CM के इलेक्शन में मैंने वोट डाला था, नाम ही नहीं है। इस बार नाम ही नहीं डाला है मेरा, नहीं डाला। मेरे दादा परदादा जो मर चुके हैं उन सबका नाम लिखा हुआ था। बुलाओ दादाजी को यार। दादाजी को कैसे, कहा शमशान से उठा के ले आएगा? अब क्या हो क्या रहा है यार। अब मैं बता दूं आपको, अगर आप वोट डाल ले रहे हैं तो आप बहुत लकी आदमी हैं। अब तो ये भी भाग्य का खेल हो गया है। पूछते हैं, वोट डाली है? नहीं नहीं है, मेरा वोट नहीं है। आपका नहीं है? हाँ, काट दिया। हाँ काट दिया, मेरे देवर का भी कटा है, मेरी भी कटा है, खाली मेरे पापा का नाम है बस। बस हाँ, पूरे पहले कभी वोट डाली नहीं? हाँ डाले, हर बार डालते हूँ। क्या बेटा वोट डाले तुम? चलो मम्मी बेटा दोनों एक बराबर हो गए हैं, दोनों वोट नहीं डाले। वोट डाले भाई? 5 वोट हमारे घर के हैं, 4 गायब हो गए, 1 आया बस। 1 आया? हाँ। किसका आया? हमारा खुद का, जो बहुत लकी आदमी है ये, आज इनको लकी ऑफ द डे दिया जाता है, बाकी लोग का नहीं है। हमारे परिवार में ना हमारे पत्नी का ना हमारे बच्चों का किसी का नहीं आया, किसी का नहीं आया। और जो 5 साल पहले सबका आ रहा था बराबर, अब की आया ही नहीं। आपने वोट डाला? वोट नहीं आया, मेरा भी नहीं आया। हम सारी उसमें देखा है, कहूँ मेरा नाम नहीं है। वैसे इस चुनाव को कैंसिल ही कर देना चाहिए, ये कहीं से मान है ही नहीं। पूरी नरही क्षेत्र में चले जाइए, वार्ड नंबर 34 में कोई आदमी ये नहीं कहेगा कि मेरे सबके नाम आए, किसी के नाम नहीं, कि एक एक लोगों के नाम आ रहे हैं। और खास करके जो मुस्लिम वोट हैं वो सारे काट दिए गए हैं, और जो मर चुके हैं उनकी लिस्ट में नाम है तो उनको जाके भैंसा कुंड से पकड़ के लाएँ, वोट डलवाएं। देख लीजिए बहुत बुरा हाल है भाई। हम तो ऐसे ही पूछने गए रहे लोगों से कि वोट डाले कैसा लगा, यहाँ लगा क्या सुनना पड़ रहा है, बहुत बुरा। को हर तरह से बिल्कुल खारिज कर देना चाहिए, कहीं से मान है ही नहीं। मैं इस वक्त चिड़ियाघर जो है हजरतगंज में, उसके बगल में हूँ। पूछते हैं वोट डाले? नहीं साहब, मैं नाम ही नहीं आया लिस्ट में। तुम नाम नहीं है? हाँ। इसके पहले कभी डाले रहे? हमने विधायकी का एक बार डाला था, वोट पास। बस हो गया ना, डाल दिए ना एक बार। हर बार क्यों डालोगे? नहीं नहीं, उससे पहले
नहीं उसके पहले भी डाले थे? नहीं नहीं, ये जो पिछले साल जो हुआ था विधानसभा हुआ रहा, डाल दिया ना, इसमें नहीं आया, इसमें नहीं आया, इसमें नहीं आया। तो एक बार वोट डाल चुके हूँ ना यार विधायकी में, तो हर बार थोड़ी ना डाला जाता है, मौज करो। सरकार है यार, हिंदुस्तान की सरकार है, हर बार हर कोई वोट नहीं डालता है, मजे में रहो। तुम डाले? नहीं डाले, पहले डाले थे? हाँ डाल दिए रहे ना, विधानसभा डाले थे ना, डाले थे। हाँ तो ठीक है, फिर नगर निगम में मत डालो, नगर निगम जो डाल लेगा वो लोकसभा नहीं डालेगा। क्यों ना डाले, मेरा वोट कीमती है, मुझको डाल। जानकार है यार, हम तो समझे, समझा देंगे, नहीं समझा, मुझको डालना है, हर साल डालते हैं, जब डाल चुके हैं तो इसमें क्या मेरा पहलू नहीं है क्या, हम नहीं डाल सकते हैं इसमें? ये युवा हैं, आप बच नहीं सकते, आपको इनके नाम डालने ही पड़ेंगे, ये बहुत गलत चीज़ हो रहा है। बिल्कुल मैं तुम्हारे लिए बात करता हूँ, आप डाले? मेरा तो लिस्ट पे नाम ही नहीं आया। नहीं आया, पहले कभी डाले रहे? हाँ एक बार डाल चुके थे, उसके बाद आया ही नहीं नाम। आया नहीं? आपका? करामत अली। आ गया? नहीं। क्या नाम है आपका? करामत अली। करामत अली, अच्छा अच्छा, इसके पहले दिए रहे आप? हाँ इससे पहले दिए थे। क्या कौन सा वोट दिए थे, विधानसभा वाला? विधानसभा वाला, लोकसभा वाला, दोनों दिए थे। हाँ तो ठीक है, दे दिए ना, जरूरी है नगर निगम भी दीजिए। नगर निगम में अब जब आना तो चाहिए, नाम तो लिस्ट में आना चाहिए। ये दी ना, देखिए हर बार हर आदमी वोट नहीं डाल सकता है। हाँ। घर में सिर्फ 8 लोगों का नाम आया है। आपका नहीं आया? नहीं। अरे क्यों कटा होगा, रीजन क्या दिखता है? अब हमें नहीं पता। ये बताइए जो नाम कटा, उसमें आप लोगों ने कुछ प्रयास किया, कुछ हुआ? हम लोगों ने पहले यहाँ पे लोगों से, अधिकारियों से बात किया, उन लोग साफ मना कर दिया, हम लोग कुछ नहीं कर सकते। उन्होंने हमसे ये कहा कि आप SDM से जो है आप बात करिए, SDM साहब कर सकते हैं। तो SDM साहब का हमने नंबर मिलाया था, तो उनसे हमारी बात हुई थी, तो उन्होंने हमसे साफ साफ कह दिया कि जिनका लिस्ट में नाम नहीं है हम उनका कुछ नहीं कर सकते, उनका वोट नहीं पड़ सकता। अच्छा लिस्ट में नाम होगा तो उसका क्या कर सकते हैं, फिर तो वो खुद ही वोट डाल लेगा ना। और लिस्ट में भाई साहब ऐसे भी नाम बहुत से हैं जिसके खाली, जैसे नाम पुरुष का है खाली महिला लिख गया है, तो उनका वोट नहीं डालने दिया गया। जैसे फॉरेस्ट में हमारे साथ कुछ एक केस हुआ था, मैंने वहां गया था बात करने, उन्होंने साफ मना कर दिया। चूड़ी और कंगन पहन के तो आएगा नहीं महिला बन के डालने, सही बात है। सही बात है भाई साहब, उसका पूरा नाम जैसे अगर मान लिया उसका राम कुमार लिखा है तो राम कुमार लिखा हुआ है, महिला लिखा हुआ और आगे खाली उसमें लिंग में महिला लिखा हुआ है। अब साड़ी पहन के आएगा तब भी डालने नहीं देंगे? उन्होंने डालने नहीं दिया उसको, सोचिएगा। और हमने यहाँ जैसे गए थे, हम यहाँ पे पराग बूथ पे अपने, तो वहाँ पे भी हमने ऐसे कई केस हुए, तो हमने वहाँ पे बात किया, तो उन्होंने कहा कि मैं चेहरा पहचान के आधार से मैं वो डलवा सकता हूँ, पर भाई साहब आधार से चेहरा पहचानना हो पाता है? आधार तो बड़ा महान है। चलिए नहीं तो वही तो हमने भी उनसे ये सवाल कहा कि जी आप मान लिए भाई किसी का आधार 5-6 साल में बनना, कोई चेहरा चेंज हो गया है, आपको ना पहचान तो आप उसको नहीं डालने देंगे? तो उन्होंने कहा कि नहीं हम आप कोशिश ये करिए कि जो मैच करता हो। अच्छा, वो आप वहाँ तो आधार के अलावा कुछ और नहीं मांग रहे हैं? और क्या कुछ नहीं मांग रहे फिर? क्यों, वो तो कई चीजें होती हैं नहीं और डालने के लिए, जैसे आपकी पर्ची है तो आप कई चीजें डाल सकते हैं। हाँ। पर और चीज मतलब वैसे अगर कुछ चेक कराना है तो आधार लॉक करे, आधार भेजो, आधार चेहरा मैच होना चाहिए। क्या हो रहा है प्रभु? करमवीर साहब कुछ बोलिएगा, आप कैमरे के पीछे ही रहिएगा, ये बहुत हमारे यहाँ ये ज्ञान यही देते हैं, अच्छे आदमी आज कैमरा चला रहे हैं, आज ही अच्छे से इस पे ज्ञान देंगे, सुनिएगा जरूर। चलिए और लोगों से मिलते हैं, हमारे संग एक सीनियर पर्सन है, इनसे बात करते हैं। कुछ लिए हुए कार्ड, ये आपका आधार है, ये आपका वोटिंग है, क्या हो गया, वोट डाले? नहीं हम वोट डाल नहीं पाए क्योंकि उसमें लिस्ट में नाम नहीं था। आपका नाम नहीं है जी? कहाँ के हैं, भारत के हैं? नहीं भारत के तो है ही है, तभी तो यहाँ। बांग्लादेश के नहीं है? बांग्लादेश के नहीं है। आइए देख लीजिए ये हालात है, बचपन से लेकर 55 तक यही उम्र गुजरी है और यहाँ पर मैं कभी हूँ, मैं अनिल अलाड़ी मेरा नाम है, मेरी 5 किताबें निकल चुकी इसी मोहल्ले से। ये हालत है साहित्यकारों का ये है। अच्छा ये बताइए इसके पहले कौन सा वोट डाले रहे? लोकसभा विधानसभा का। जो लोग एक्सपायर हो चुके हैं उनके नाम है और जो हैं उनके नाम नहीं है। मैं लिस्ट दिखाता हूँ, दो साल तक क्या हुआ? हाँ दो नाम गए मैं करके, दो नाम गए जी, जी। दो नाम मेरे भी गए। सारा प्रशासन जो है बहुत बेकार है, बीजेपी शासन एकदम बेकार, सारे नाम बिल्कुल दो साला अपडेट नहीं, कोई साला कार्यालय में कोई काम नहीं, जनता जाओ जनता जाती तो मिलने को नहीं करते, कोई सुनवाई नहीं, ये क्या प्रशासन कर रहा है, जनता का वोट काट रहा है, तो ये सारा जो जनता बैठी है क्या करेगी बताइए आप? अब वोट नहीं देंगे, वोट हमारा इधर दौड़ी उधर दौड़ी, वोट तो डालना चाहिए। आईडी आधो या तो ये तो फर्जी है या तो इसके माने नाम क्यों कट गए हैं भाई, कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि क्या कर रहे हैं भैया। भैया जिला प्रशासन को सोचना चाहिए, मजिस्ट्रेट साहब सोचिए साहब, खाली बोल देने से नहीं होता कि आप वोट डालिए, पिछले बार 40% था इस बार डालिए बढ़ाइए, अरे भाई नाम तो डालिए, नाम ही नहीं है आपके सामने सबूत है, ऐसा तो है नहीं मैं झूठ बोल रहा हूँ। आप बोलते हो कि वोटिंग बढ़े, ज़्यादा लोग वोट दें, कैसे दें भाई, आप तो नाम काट चुके हो, तो सोचिएगा जरूर कि आखिर क्या हो रहा है।
क्यों नाम कट रहे हैं? आप इस टेक्निकल युग में, इस विकसित युग में अगर नाम कट जाते हैं तो गलतियां किसकी है? क्या उस इंसान की जो वोट डालने गया है कि आपकी? आपकी मीन्स प्रशासन की। सोचना चाहिए प्रशासन को। आज के लिए इतना ही। आज कैमरा पर्सन नहीं, हमारे संग वरिष्ठ पत्रकार हैं कर्मवीर। इनका एक कार्यक्रम आता है फॉलो अप, देखा कीजिए। कर्मवीर के संग मैं तुषार शर्मा, नमस्कार।